और ये पता नहीं इसकी डिस्क कैसे इसकी बेंड हो गई, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। रात में जल्दी सो जाऊं, सवेरे जल्दी उठ जाऊं, पिछले एक दो दिनों से मैं काफी कोशिश कर रहा हूं कि जैसे कोई अंदर ही मेरे लेग के अंदर कोई कुछ कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है। दैट ब्लॉगिंग इज अ इजी जॉब। ये क्या हो गया? हवा भी चल रही है, इतनी गर्मी भी नहीं है। और जो आसमान में कुछ नेचुरल टाइम लैप्स चल रहा है, कुछ ऐसे काफ़ी तेज हवा चल रही है। क्यों ना अभी बाहर जाके अभी थोड़ा सा हवा खा के बाइक चला के हैं, काफ़ी दिन हो गया बाइक चलाए हुए। ऑडियो सुनेंगे समय धूप भी है, लेकिन धूप के साथ साथ ज़्यादा बादल भी बहुत सारे हैं। इतने सारे बादल हैं लेकिन आँख चमक गई। कैसे गाड़ी खड़ी की है भाई? धूप नहीं है तो क्या हुआ, आ जाएगी भाई। ये इनका तो ये लोग पहले फुटपाथ बनाएंगे, उसके बाद उसी फुटपाथ को तोड़ के फिर इनको, फिर अचानक से इनको याद आएगा अरे उसकी जगह तो एक पाइप डालनी थी, फिर उसी फुटपाथ को फिर तोड़ के फिर पाइप डालेंगे। अरे ये रोड इतनी खराब, पता नहीं जिंदगी में लोग रहने बनेगी। हमारे जैसे कुछ लोग होते जो तमीज से गाड़ी चलाते हैं, जैसी दुनिया वैसे हम। ब्रेड मक्खन ले लीजिए, कोई सा भी। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, लेकिन सामने के तरफ चू 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 कर रहा है मेरी गाड़ी। और बाइक चलाते हुए मेरे बाइक के सामने से एक आवाज़ एक आ रही है, चू 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 करके कुछ आ रही है। ये देखो अभी आप लोग, ये इसका पहिया फ्रीली मूव कर रहा है, ये देखो अपने से रुका है, कोई ब्रेक कोई अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर ये अटक रहा है। ये देखो ये भी अपने से रुक गया इतना फ्रीली। ये जो ये वाली जगह है, ये वाली प्रॉब्लम कर रही है जगह। इस तरफ का कुछ बेंड है थोड़ा बहुत, और ये पता नहीं इसकी डिस्क कैसे इसकी बेंड हो गई, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आई होप, मेरे को शक है कि कहीं पर लॉकडाउन से पहले अगर मैंने कहीं पर अगर गाड़ी खड़ी की होगी तो किसी ने गाड़ी को इस तरफ गिरा दिया होगा, इस वजह से प्रॉबेबली हो सकता है इसका जो डिस्क है वो थोड़ी सी बेंड है। और ये हमेशा मतलब इरिटेटिंग आवाज़ निकालते हैं, चू 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 करके, चूहा नहीं कुछ उतरते रहते हैं वैसा करके कुछ। ऑलराइट गाइस, तो अभी दोबारा अभी फिर से अभी हम लोग निकले हैं, होपफुली इस समय बारिश ना हो। मैंने काफ़ी दिनों के बाद अपना ये वाला ग्लव्स पहना है। अरे यार ये बार बार मतलब तंग कर रही है बारिश, मेरे से होने लगी, अरे आँख में जा रही है। अब तीसरा टर्न, तीसरी बार हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ धूप आ गई, वाह चली भी गई धूप। मेरे जो बाइक में आ गए चू 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 चू, आप पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा हो या नहीं दे रहा होगा, आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही है। क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, वो सिग्नल लग रहा है यार। यहाँ पर जो मेरा जो मेन काम था वो काम हो चुका है, अब हमें अब कोई अब दिक्कत नहीं है।
जब ये टैंक खाली होता है तो गाड़ी में 3 लाख हो जाती है। अगर ये करके 250 रुपये तो मैं तो इस समय का जो पूरा काम है वो हो गया हमारा। और इधर से नहीं जाएंगे, इधर से नहीं जाएंगे। साला 80 रुपये का तेल हो गया वो क्या, तो सीधे अब 10,000 का तेल पड़वाने वाला है। 10,000 का तेल पड़ा है और जिंदगी काट लें उसी में ही। अबे अगर टाइम मशीन कुछ होती ना, टाइम मशीन के थ्रू मैं 10 साल पीछे या 20 साल पीछे चले जाता, जब 40-50 रुपए का जब तेल मिलता था, चला वहां से खरीद के ले जाए। निकले यार, एक्सीडेंट कराओगे। घूर रहा है साला, आंखें दिखा रहा है साला। 30 रुपए की POC, चलान 10,000 का। अब मैं अब जब घर पे ऑलरेडी आ चुका हूँ तो इस समय बारिश का नामो निशान नहीं है। जैसे ही हेलमेट पहन के बाहर निकल रहा था वैसे ही तुरंत बारिश गिरनी शुरू। मैं जैसे ही बाइक लेके वापस आ गया बारिश बंद। ऐसा कम से कम 3-4 बार हुआ, अलग ही कॉमेडी चल रही थी उस समय। कमाल करते हैं सर, ऐसा थोड़े नहीं होता है, लेकिन चलो अच्छा ही है। अगर इंसान की अगर इच्छाएं अगर पूरी होने लगी तो इंसान की मनोकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, और इंसान की मनोकांक्षा बढ़ने का मतलब अब इंसान को ज़्यादा निराशा, डाउनफॉल। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो रहा था कंटिन्यूसली बारिश, तब बारिश रुकने का एकदम नाम ही नहीं ले रही थी। और मैं क्या बताऊँ, इतना प्यार है जो बारिश को मेरे से। देखो बादल देख के तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कभी भी पड़ सकती है, कभी भी वर्षा हो सकती है, लेकिन वर्षा इस समय नहीं हो रही है क्योंकि वर्षा को पता है मैं घर पे हूँ। बारिश की बात कर रहा हूँ, बारिश की इसमें अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लो बस मौसम इस समय काफ़ी अच्छा हो गया है। ना बारिश के बादल हैं और ना गर्मी की धूप, ना बारिश के बादल हैं ना गर्मी की धूप। लेके उड़ चले हम अपनी बाइक मिटाने अपनी भूख। ये कुछ अजीब हो गया ये। ये चूहे की करामात है, चूहे की। इसके बीच में और इस वाले वायर के बीच में एक इतनी बड़ी सी चीज़ आती है जिसको शायद कनेक्टर कहते हैं, वो चीज़ इन दोनों के बीच में ऐसे जुड़ी रहती है। अब जो चूहा है वो इसको भूल गया बीच वाली चीज़ लेके चला गया। उस चूहे का थॉट प्रोसेस क्या होगा, मतलब वो बीच वाली चीज़ का क्या करेगा, उसका माइक्रोफोन बनाएगा, उसका कुछ मतलब कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करेगा कि मैं ऐसी आवाज़ निकालूँ तो कुछ और आवाज़ निकले, बिल्ली की आवाज़ निकले बिल्ली को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने बाइक का POC का पेपर बनवा रहा था। मेरा POC का पेपर मार्च में एक्सपायर हो गया था, लेकिन उसमें काफ़ी लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया एक्सपायरी डेट उसकी 30 सितंबर तक। देखो बस मुझे पता है कि वैलिडिटी एक्सटेंड हो गई 30 सितंबर तक, लेकिन मेरे को ना कोई मतलब मान लो अगर किसी ने अगर काट दिया तो मेरे को कोई फालतू में 10,000 रुपये देने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं फालतू में जाके 10,000 रुपये दे आऊँ, और जहाँ बात हो धन की वहाँ पर सेफ प्ले करना ही चाहिए। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना।